अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद हल्द्वानी में भी खुशी का माहौल दिखाई दिया। हिंदू जागरण मंच ने कोतवाली के पास हनुमान मंदिर में 1000 दीपक जलाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीपक जलाने के बाद आतिशबाजी भी की। आज का दिन बहुत गौरवशाली दिन है। 492 वर्षों के संघर्ष के बाद जिनमें 78 बार खून से रक्त रंजित हमें जो है संघर्ष करने पड़े और हमारी 25 पीढ़ियों में से लगभग 4 लाख लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, उसके बाद जाकर आज ये दिन हमारा जो है सौभाग्य से हमें देखने को मिल रहा है। और मैं और हमारे सभी युवा साथी और ये पीढ़ी पूरी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं जिनके संघर्षों के परिणाम स्वरूप आज ये दिन हमें देखने को मिला है। मैं उस पीढ़ी में हूँ जिस पीढ़ी के लोगों को आज ये दिन देखने का मौका मिला है। आज 5 अगस्त 2020 को अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है और अगले 3 साल में एक भव्य और भव्यतम राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है। उसी खुशी में आज उस भूमि पूजन की खुशी में आज पूरे शहर में लोग अपने अपने घरों में दिए जला रहे हैं, सारे मंदिरों में दिए जला रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में आए थे और आपने पूरे कार्यालय को यहाँ पर दिए और मोमबत्तियों से सजाया है।